बैठा हुए हैं और प्रशासन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। देखो शांत रहो, प्रशासन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन हम ये निवेदन चाहते हैं कि जब हम उनका सहयोग करते हैं तो वो भी हमारा सहयोग करें। उन्होंने कहा भैया हम बिल्कुल तत्पर हैं, हम लगे हुए, हम भी नहीं चाहते देश का माहौल खराब हो, हम भी नहीं चाहते प्रदेश का माहौल खराब हो। और उन्होंने ये भी बताया कि हमने पूरा बंदोबस्त किया, ऐसी कोई घटना प्रिय चंद्रशेखर जी तुम संघर्ष करो, चंद्रशेखर जी तुम संघर्ष करो, हो सकता है। और मैं बता दूं, जिन लोगों पे इस देश में सुरक्षा का माहौल नहीं बन रहा है, जिन लोगों पे इस प्रदेश में सुरक्षा का माहौल नहीं बन रहा है, ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता देना खुद का गला घोटना होता है। तो अब हम प्रयास कर रहे हैं, विशेष कानूनी संरक्षण हेतु संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1889 उसी का एक हिस्सा है। उक्त अधिनियम को वो 2 अप्रैल में जो लोग शहीद हुए हैं, 2 अप्रैल में जिन राष्ट्रपा के तहत और अदर मुकदमों में जिन्हें निर्बंध किया है, ये कानूनी कार्रवाई जो है ये संवैधानिक है। हमारी मांग है कि उनको तत्काल करा जाए। और हम अब पूरे देश में, देश के सभी प्रदेशों में, जिलों में, जिला कार्यालयों पे और विधानसभा कार्यालयों पे हम अपने ज्ञापन देंगे और एक बड़ा आंदोलन जो है उनके लिए खड़ा करेंगे, जिससे कि हमें हमारी डिमांड है कुछ को हमारे ज्ञापन के माध्यम से आप लोगों तक पहुँच जाए। मैं उम्मीद करूँगा जिला ये हमारी जो है समाचार, ये न्यूज एजेंसी जो भी है वो हमारे पत्रकार को इसको गंभीरता से ध्यान दें, इसको छापे, जिससे कि हमारे लोगों में एक सकारात्मक माहौल मीडिया के पक्ष में बन सके कि मीडिया हमारी कमजोर होने की आवाज़ को बहुत जिम्मेदार समझता है। संजय दिल्ली, योगी जी दिल्ली में जो हनुमान जी को दलित बता रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए वो अपनी राजनीति को सीधा करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, वो धार्मिक मुद्दों पे लड़ते हैं, देश के जो गंभीर मुद्दे हैं उनको उनसे लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो सब चीज़ें करते हैं। अगर